फ्रेंड्स सामने आप लोग जो ये मेरा करी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, ये कितना हरा भरा और घना है। 12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसकी सारी पत्तियां भी काफ़ी हरी भरी हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जून के महीने में अक्सर तेज़ गर्मी के कारण सभी प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां अक्सर पीली हो जाती हैं, साथ में जो नई पत्तियां निकलती हैं वो काफ़ी छोटी भी होती हैं। तो फ्रेंड्स पत्तियों के रंग को हरा और पौधे को घना कैसे बनाया जाता है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बरसात से पहले हमें अपने करी पत्ते के पौधे पर ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम कर देने हैं जिससे कि बरसात आते ही हमारा करी पत्ते का पौधा हरा भरा और जंगल जैसा घना हो जाए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स मई से जुलाई के बीच में काफ़ी गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण सभी पौधों की तरीके से करी पत्ते के पौधे की भी मिट्टी में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है और मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है, जिसके कारण पत्तियों में क्लोरोफिल धीरे धीरे कम होने लगता है और पत्तियां जो हैं वो पीली सी पड़ने लगती हैं। इसके अलावा मिट्टी में पोषक तत्वों की भी कमी होने लगती है गर्मी की वजह से, जिसके कारण जो नई पत्तियां निकलती हैं वो छोटी निकल कर आती हैं। इसके अलावा अगर आपका करी का पत्ता गमले में लगा हुआ है और वो टेरेस पर या बालकनी में खुली धूप के नीचे रखा हुआ है तो भी उसकी पत्तियां मुरझाई सी होंगी, साथ में उस पर जो नई पत्तियां आएंगी वो छोटी होंगी गर्मी की वजह से और पत्तियों का रंग भी हल्का पीला सा हो जाएगा। तो अगर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका करी के पत्ता बहुत अच्छी तरीके से हरा भरा और घना बना रहेगा। तो सबसे पहला है कि गर्मी के समय आप अपने पौधे को दो टाइम पानी दें अगर वो खुली धूप में रखा हुआ है, और अगर किसी शेमी शेड एरिया में या ऐसी जगह रखा हुआ है जहां पर उस पर 70% छांव रहती है तो आप एक बार ही दिन में उसको पानी दें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका करी का पत्ता काफ़ी घना हो जाए, साथ में जो नई पत्तियां निकले वो भी बड़ी और हरी निकल कर आएँ, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको बरसात से पहले अपने पौधे की लाइट प्रूनिंग कर देनी होगी। क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो जहाँ जहाँ से आपने प्रून किया है वहाँ वहाँ से नई ब्रांचें निकलेंगी, और जो उन ब्रांचों पर नई पत्तियाँ निकल कर आएंगी वो पत्तियाँ साइज में बड़ी होंगी, साथ में गहरे हरे रंग की भी होंगी। तो करी पत्ते के पौधे पर अगर प्रूनिंग की बात करें तो साल में इस पर दो बार प्रूनिंग हार्ड या सॉफ्ट करी जाती है। पहली प्रूनिंग इस पर करी जाती है फरवरी लास्ट से अप्रैल के बीच में, और दूसरी सॉफ्ट प्रूनिंग जो इसके ऊपर करी जाती है वो बरसात शुरू होते यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में कर दी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कि करी पत्ते के पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर ऑर्गेनिक कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे कि बरसात का सीजन आते ही हमारा करी पत्ते का पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाए। तो फ्रेंड्स गमले में लगे हुए करी पत्ते के पौधे के लिए जो रामबाड़ फर्टिलाइज़र का काम करती है तो वो बटर मिल्क या फिर खट्टा दही होता है। खट्टा दही करी पत्ते के पौधे पर रामबाड़ फर्टिलाइज़र का काम इसलिए करता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, और करी पत्ते के पत्ते पीले हो रहे होते हैं तो जब ये फर्टिलाइज़र उसको दे दी जाती है तो उसके निकलने वाले पत्ते सभी हरे हो जाते हैं, साथ में जो उस पर पहले से भी पत्ते होते हैं वो भी हरे हो जाते हैं। खट्टे दही में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम के अलावा विटामिन B5 और विटामिन B2 भी पाया जाता है, और जब इतने सारे न्यूट्रिशन एक साथ पौधे को मिल जाते हैं तो वो पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इसलिए फ्रेंड्स जब दही की फर्टिलाइज़र को बनाकर हम अपने करी पत्ते के पौधे को देंगे तो फास्फोरस की वजह से इसका रूट सिस्टम भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जिससे कि पौधे को पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में पत्तियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, और जो वहां से नई पत्तियां निकलेंगी तो वो बड़ी साइज लेकर निकलेंगी तथा चमकदार होकर निकलेंगी। तो चलिए देखते हैं कि दही की फर्टिलाइज़र यानी कि दही का पानी किस तरीके से हमें तैयार करना है। तो उसके लिए 1 लीटर साफ यहाँ पर पानी ले लेते हैं, और उसमें 3 से 4 चम्मच खट्टा दही लेने के बाद में पानी में अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। घोलने के बाद में फ्रेंड्स इसको 1 से 2 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी में अच्छी तरीके से सब पोषक तत्व इसके दही के मिल जाएं। अब इस पानी को यानी कि इस फर्टिलाइज़र को करी पत्ते की मिट्टी में चारों तरफ घुमा के डाल देते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर हफ्ते में एक बार इस तरीके से इस पानी को आप डाल देंगे, यानी कि अभी जून के लास्ट में अगर अपने करी के पत्ते में अच्छी तरीके से एक बार खट्टे दही का पानी डाल देते हैं, तो जैसे ही जुलाई का महीना लगेगा यानी कि बरसात शुरू होगी, आपका करी का पत्ता काफ़ी घना हो जाएगा, साथ में उसमें जो नई पत्तियां निकल कर आएंगी वो भी नाइट्रोजन की वजह से काफ़ी हरी भरी निकल कर आएंगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को? अगर फ्रेंड्स पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।